नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी आरसी, जो गाड़ी की आरसी होती है उसमें आप अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सब मैं प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी क्यों ज़रूरी है आपका जो आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना, जैसे कि आपको आरसी कभी गुम हो जाती है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होने की ज़रूरत है। तो अभी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आरसी में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। और बाई चांस कभी आपका चालान वगैरह होता है, कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस के द्वारा बता दिया जाता है। मेरा नाम है मेघराज चौधरी, स्वागत है आप सभी का जेएम टेक्निकल चैनल में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को गूगल पे सर्च करना है परिवहन, फिर आपके सामने जो ये पहला लिंक आएगा parivahan.gov.in, ये ऑफिशियल लिंक है, इसको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। तो उसमें अभी अपने को व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप दिल्ली से हो तो आपको इस पे क्लिक करना है, और अदर स्टेट से हो तो आपको इस पे अदर स्टेट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक ऐसा फिर इंटरफेस आएगा, तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट मोबाइल नंबर, और इसमें आप आरसी भी डाउनलोड कर सकते हो। आरसी डाउनलोड करने का मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। दोस्तों अभी अपने को आरसी में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है, तो इसमें अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक फिर इंटरफेस आएगा, तो उसमें जो अभी ये फैसिलिटी है, ये कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें तीन चार स्टेट में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे गुजरात वगैरह में अभी ये अवेलेबल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान वगैरह, इसमें सब में अवेलेबल है। जो यहाँ पे इस स्टेट का नाम लिखा हुआ है, इसमें ये सर्विस अभी अवेलेबल है, और जिस स्टेट में अभी अवेलेबल नहीं है वो आगे आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएगी। डू यू वॉन्ट टू प्रोसेस, इस पे यस पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना गाड़ी का सेसिस नंबर डालना है, वो सब आरसी पे लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे अपने को इंजन नंबर डालना है, और अभी आपके पास में आरसी नहीं है तो अपने गाड़ी के इंजन के जो नीचे की साइड लिखा होता है वहां से देख के भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी अपन डाल देते हैं इसमें इंजन नंबर, सेसिस नंबर और इंजन नंबर डालने के बाद में आपको शो डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही शो डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा आएगा। तो अभी इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। और ये मैंने जो पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, ये प्राइवेसी के लिए मैंने यहाँ से ब्लर किया हुआ है, तो आपका जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका फुल दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने को जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है वो यहाँ पे अपने को डालना, और वो मोबाइल अभी ऑन होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल के ऊपर अपना एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में ये लिंक होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद अपने को जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो अपने मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है, और आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है सर्वर डाउन की वजह से, तो आप रीजनरेट ओटीपी भी कर सकते हैं, ये लास्ट चांस है। और इसमें भी नहीं होता है तो आपको फिर दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे बाद होगा। तो अभी अपने पास जो ओटीपी है वो आ गया है, तो अपने ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद में आपको सेव डिटेल पे क्लिक करना है। तो सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद में मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो अपना जो मोबाइल नंबर था वो लिंक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका गाड़ी का नंबर, उसके बाद में वही आपको यहाँ पे सेसिस नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना इंजन नंबर डालना है, फिर आपको दोबारा शो डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी अपना जो मोबाइल नंबर पहले यहाँ पे 0 लिखा आ रहा था, अभी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा आ रहा है। तो मोबाइल नंबर लिंक करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको कहीं भी कोई भी जो नोटिफिकेशन आता है आरटीओ की तरफ से, तो आपको एसएमएस के द्वारा बता दिया जाता है। बाई चांस कभी चालान भी हो जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, तो वो भी मोबाइल के एसएमएस के द्वारा बता दिया जाता है, या फिर कोई और एनी अपडेट है, टाइम टू टाइम यहाँ मिलती रहेगी। और आपकी आरसी गुम भी हो जाती है, आपको डाउनलोड करने के लिए भी इसको मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करना है, ये सब आपको समझ में आ गया है।
दोस्तों आरसी में मोबाइल नंबर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सब प्रक्रिया अपनी पूरी हो गई है, तो इस वीडियो को देख के आप आसान तरीके से अब आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, और साथ में अभी जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।